झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर के हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एक बिल पास किया गया है, कैसे इसको देखते हैं और क्या मांग करेंगे कि दूसरे स्टेट में या नेशनल लेवल पर कोई कानून ऐसा बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी डिटेल तो मैं नहीं मालूम है, लेकिन ये कि वहाँ के मुसलमान काफ़ी खुश हैं और राजी हैं उससे, इससे अंदाज़ा होता है कि उनके हित में है ये। तो हम चाहेंगे कि दूसरे स्टेट में भी ऐसा कानून बने कि जो मॉब लिंचिंग पर आमतौर से लोग बाकायदा तस्वीरें आती हैं उनकी, बाकायदा मूवीज़ होती हैं, उसके बाद उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है और वो साफ बिल्कुल क्लियर निकल जाते हैं। तो ऐसे ही सूरत हाल जो है वो ख़त्म होना चाहिए और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। मॉब लिंचिंग जो है उस पर सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए और हर यहाँ पे जितने भी सूबे हैं सब में ये कानून पास होना चाहिए। एक मसला चल रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा करके 18 से 21 करने का, इस्लामी नुक्ते क्या है और आपका क्या इस पर मौकफ़ है? देखिए, कानून जो बनता है तो उसकी हम लोग जो है वो पाबंदी करते हैं और उसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन जो हमारा जो मजहब है वो पॉइंट भी अलग होता है। तो हमारे मजहब के इस्लाम के लिहाज से बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए वहाँ पर और वहाँ पर शोहर के साथ वो ज़िंदगी बसर करे, और जितना ज़्यादा देर होती है उतनी ज़्यादा समाज में ख़राबियाँ पैदा होने का ख़तरा होता है। और लिहाजा हमारे यहाँ यही बात कही गई कि बच्ची की शादी जो है वो जल्द होना चाहिए। और रही सेहत की बात, तो हमारे पास तो हमारे मैंने कहा कि बहुत सी मिसालें ऐसी कि 14 साल में 15 साल में शादियां हुई और 10-10 उनके औलादें भी हुई और कोई सेहत पर उनके असर नहीं पड़ा। और जो बीमार अगर है तो वो तो ज़ाहिर है कि वो 25 साल की उम्र में भी शादी होगी तो वो बीमारी रहेगी। तो ये एक जनरल बिल्कुल जनरल कानून नहीं बन सकता, लेकिन बहरहाल कानून अगर बना तो हम बहरहाल उसकी पाबंदी करेंगे, इसका हमारा वादा है। कहा यह जा रहा है कि अगर देर से शादियां होंगी तो लड़कियों के बिगड़ने की ज़्यादा इम्कान हैं और उनके जो फ्यूचर के मौके हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं, यही तो बात मैंने कही, जो आप कह रहे हैं तो यही कही मैंने कि सवाल कि उससे सोशल में समाज में ख़राबियां पैदा होने की ज़्यादा चांसेस हैं अगर देर में शादियाँ होगी। तो लिहाजा इस्लाम में इसीलिए हुक्म दिया है कि शादी में देर नहीं होना चाहिए बल्कि शादी जो है वो जल्दी होनी चाहिए, यही इस्लाम में इस्लाम का नज़रिया यही है। औकाफ की ज़मीनें खुर्द-बुर्द हो रही हैं, लड़ रहे हैं 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, न शियों ने साथ दिया, शिया मौलवियों ने साथ दिया, न सुन्नी मौलवियों ने साथ दिया, इसमें बिल्कुल साथ नहीं दिया। खास शियों में तो 2-4 ने साथ दिया भी, लेकिन अहले सुन्नत में बिल्कुल ही वो कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं और अरबों रुपये की जायदादें और लुटते देख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी मस्जिदों के अंदर बंद है, अपने मदरसों में बंद है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि मुसलमानों की जायदादें औकाफ की लुट रही हैं और ज़रा सा उस पर एक ज़रा सा भी कोई रद्दमल वो ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं अरबों खरबों रुपए की जायदादें उनकी निगाहों के सामने, मौलवियों की निगाहों के सामने लुट गई और वो इसी तरह से आँखें मूंदे रहे, अपने हलवे मांडों में मसरूफ रहे वो, और कोई मुसलमानों की फिक्र नहीं की, ना उन्होंने औकाफ की फिक्र की, ना हमारी किसी भी तहरीक पर उन्होंने कोई ज़र्रा बराबर भी उन्होंने उसकी हिमायत नहीं की। अवाम को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हम अवाम का मैसेज यही है कि देखिए, मौलवी साथ आए चाहे ना आए, अवाम में अगर बेदारी पैदा हो जाए तो कहीं भी अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हो रही हो तो उसको वो रोके और उसके बाद उसको अगर मुमकिन हो तो हमें खबर दें, उसके सिलसिले में हम कार्रवाई जो कर सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं।